हेलो एवरीवन, मैं सुनीता चौधरी स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों। और आज मैंने सबसे पहले लगाई है कपड़े धुलने के लिए मशीन, क्योंकि लाइट आ रही है और साथ के साथ और भी काम होता रहेगा और कपड़े भी धुल जाएंगे मेरे। कपड़े धुलने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, तो मशीन लगा दी है यहाँ पर मैंने। और आज मुझे आटा पिसवाने के लिए गेहूँ भी साफ़ करने हैं, मतलब धुलने हैं, तो ये मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे थे। इन्होंने दोनों टपों में थोड़े थोड़े गेहूँ डाल दिए, क्योंकि मेरे से कट्टा नहीं उठ रहा था तो इन्होंने डाल दिए। तो गर्मियों में तो देखो मैं ऐसे ही आटा पिसवाने के लिए गेहूँ धुलती हूँ, सर्दियों में तो नहीं धुल पाते क्योंकि धूप नहीं निकलती और फिर ये सूख भी नहीं पाते। गर्मियों में अच्छी धूप निकलती है तो 2 दिन में सूख जाते हैं, 1 दिन में तो नहीं सूखते। तो मैं दोनों टपों में 2-3 बार पानी निकाल कर अच्छे से साफ़ करूँगी। और देखिए जितना भी कूड़ा है सब ऊपर आ जाता है और सब ऐसे बहुत अच्छे से निकल जाता है। फटकने से तो फिर भी मिट्टी बिट्टी थोड़ी सी रह जाती है, फिर भी बहुत ध्यान से करती हूँ मैं, लेकिन रह ही जाती है, नहीं निकलती पूरी। एक दो कुछ रह जाता है उसमें, लेकिन ऐसे धुलने से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, कोई भी मिट्टी विट्टी नहीं रहती, सारी निकल जाती है। और मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि धुलने होते हैं, सुखाने होते हैं, 2 दिन में सूखते हैं ये, लेकिन मेहनत के बाद जो इसका फल होता है ना वो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि इतनी अच्छी रोटियां फटकने वाले आटे से नहीं बनती जितनी धुलने वाले से बनती हैं। बहुत सॉफ्ट और सफ़ेद रोटी बनती है धुलने के बाद जब आटा पिसवाते हैं। तो बस मैंने अच्छी तरह से इन्हें धुल लिया है और फिर इन्हें खाट पर कपड़ा डालकर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि ऐसे डालने से इसका सारा पानी नीचे को निकल जाएगा। अगर पहले नीचे डाल देती तो पानी नहीं निकलता, खाट पे डालने से अच्छे से निकल जाएगा। और जो थोड़ा बहुत एक आध कंकर वंकर सी मुझे दिखाई दे रही थी वो मैंने ऐसे निकाल दी और बस इन्हें थोड़ा सा फैला दूंगी, थोड़ी सी इसमें धूप लग जाएगी और पानी भी सारा नीचे को निकल जाएगा फैलाने से। खाट पर कम जगह होती है तो इसमें अच्छे से नहीं सूख पाते, तो इन्हें मैं बाद में नीचे डालूंगी। और देखिए खाट पर मैं थोड़े से सूख भी गए थे, ये पानी सारा निकल गया है, तो मैंने सारा आंगन अच्छे से साफ़ करके अब इसे सारे आंगन में फैला दूंगी। यहाँ धूप ज़्यादा लगेगी, खाट पे थोड़ी कम जगह थी तो अच्छे से नहीं सूख पाते, आंगन पे ज़्यादा जगह है तो ये ठीक से सूख पाएंगे। आज और कल में बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएंगे। तो दोपहर सारा काम निपटा कर मैं नहाई और मैंने अपना सर भी धुलाया, भी थोड़ा गीला हो रहा है, और फिर बस खाना खा के थोड़ी देर के लिए सो गए थे और अभी उठे हैं और पतिदेव भी मेरे पास ही बैठे हैं। हाय बोल दो। हाय। और अभी कपड़े उतार के रखूँगी जो मेरे जो धुले थे मैंने, और गेहूँ भी उठा कर रखने, अभी कुछ काम नहीं किया, लेकिन सबसे पहले पीनी है चाय। चाय पियोगे? बनाओ, आ तुम बना लो। चलो चलते हैं चाय बना। तो कपड़े जो धुले थे मैंने सारे सूख गए और बस इन्हें उतार कर इनकी तह करके रखूंगी। तो चलिए तह बाद में करूंगी, पहले कृष्णा की हेल्प करा दूं क्योंकि वो भर रहा है गेहूं, और कब तक भरता अकेला, मैंने सोचा चलो बाद में कपड़ों की तह कर लूंगी, पहले ये सारे गेहूं भर के रखते हैं, दोनों करेंगे तो एकदम हो जाएगा। तो आज आ गए हैं हम छत पर थोड़ी सी साफ सफाई करने, क्योंकि छत पर मिट्टी इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देते हैं। और इधर बैसु लग रही है अपने खेल में।
तो अब टाइम हो गया है शाम की ज्योत जलाने का, तो बस हाथ पैर धुलकर मैं सबसे पहले ज्योत ही जलाऊंगी। अब आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। रात के 8 बज चुके हैं। सब्जी बना दी है मैंने और आटा छान कर रखा हुआ है, मला भी नहीं है, अभी मल कर रखूंगी इसे, और जब ये रोटी खाने को कहेंगे तभी बना दूंगी। अभी तो मना कर रहे हैं कि अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर में बना लेना, तो बस आटा मल के रख दूंगी, जब कहेंगे तभी बना दूंगी। और चलिए अब वीडियो का एंड भी कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलूंगी मैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।